झारखंड विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 7 दिसंबर होगा और इसके तहत आज शाम 5 बजे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 207 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के 20, कांग्रेस की 6, जेएमएम के 14 और जेवीएम के 20 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बीएसपी के 14, टीएमसी के 5 और 73 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जिन 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, 2014 विधानसभा चुनावों में 8-8 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम का कब्जा था, जबकि 2 सीटों पर आजसू जीती और 2 अन्य के खाते में गई थी। 7 दिसंबर को दूसरे चरण के तहत आपको बता दें कि घाटशिला, कोटका, जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम, खूंटी, मांडर, सिसई, सिमड़ेगा, सरायकिला, चाईबासा, बरहागोडा, मंचगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तोरपा, तमाण, जुगसलाई, कोलेबीरा और जगन्नाथपुर सीट, ये 20 सीटें हैं जिन पर 7 दिसंबर को चुनाव होगा। लेकिन आज ये जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। उससे पहले सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ इन 20 सीटों पर अपनी ताकत को झोंक रही है। हर कोई अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 20 सीटों पर 260 प्रत्याशी मैदान में हैं और अगर इन 20 सीटों की बात करें तो कड़ा मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं जेएमएम और बीजेपी के बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से पिछले अगर नतीजों की बात करें तो 8 पर बीजेपी और 8 पर जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में गठबंधन हुआ है जेएमएम, कांग्रेस और अन्य पार्टियों का, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है अकेले दम पर। तो देखना होगा कि आखिरकार इस मुकाबले में कौन बाजी आगे मार जाता है। तो दूसरे चरण का यह चुनाव है 7 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले आज ये चुनावी शोर जो है दूसरे चरण का वो थम जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में हमने देखा कि कितने कितने तमाम दिग्गज इस दौरान इन मैदानों में उतरे, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, जेपी नड्डा या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी भी प्रचार करते हुए नजर आए।